Oh, hi. 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 Welcome. ये मेरी मॉम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. ये हमारी मोटा काकी. जय श्री कृष्ण. और ये हमारी पा. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. मॉम. हाँ दिक्रा. हम सब बहुत एक्साइटेड हैं. स्पेशल गुजराती थाली के बारे में सुना था. अहम ने इस स्टेट के गुजराती फ्लेवर को टेस्ट करवाने का प्रॉमिस किया है. हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना आप लोग, स्वागत है. आइए. प्लीज बैठिए. आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं. आओ. Very beautiful house. Thank you so much. आप लोग कितने टाइम के बाद गुजरात आए? यूं कुछ 8 साल बाद. अरे हमें आज तक कोई इंटरेस्टिंग फर्म इंडिया में मिली ही नहीं जो हमारे विजन को समझती. फाइनली आपसे मुलाकात हुई. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. I'm sorry. I'm really sorry. कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ. एम, यू आर वेरी लकी. स्टेट्स में तो हमें अपना सारा काम खुद करना पड़ता है क्योंकि वहां पे सभी वाइफ्स वर्किंग जो है. एक्चुअली मॉम ने सभी नौकरों नौकरानियों को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया हुआ है. तो अरे हाँ, अभी तक आपने अपनी वाइफ से तो इंट्रोड्यूस करवाया नहीं. कहाँ है भाभी जी, मिलवाइए तो सही. वो इस वक्त घर पे नहीं है. हम जूनागढ़ का प्लाट देखने कब चल. ये क्या हुआ? I'm sorry. It's okay. अरे जरा इधर आना. जी, इनका भी नाम है. ये मेरी सॉरी, मुझे आपकी नौकरानी का नाम पता नहीं. माफ कीजिएगा, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है. गोपी आइया. हाँ
ये है मेरी बहू गोपी। क्या है ना कि आपका मेरे दिकरे अहम के साथ अभी नया नया परिचय हुआ है ना, इसलिए आप उसे ठीक से समझ नहीं पाए हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि अहम अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया। यकीन मानिए अभी अभी उसने नाश्ता किया है, पर अगर आप उसे पूछेंगे कि उसने नाश्ते में क्या खाया तो उसे याद भी नहीं होगा। इसीलिए तो वो अपनी पत्नी से आपको मिलवाना भूल गया। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि चाय और नाश्ता कौन रख के गया है ना एम दिकरा। माफ कीजिएगा, आप लोग काम की बातचीत कर रहे थे और मैंने बीच में बाधा डाल दी। अहम दिकरा, अपने मेहमानों से गोपी का परिचय तो करवाओ। ये है मेरी वाइफ मिसेज गोपी मोदी। यह है मेरे बिजनेस क्लाइंट मिस्टर देसाई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मिस्टर शाह। जय श्री कृष्णा भाभी जी। जय श्री कृष्णा। और यह है मिस्टर जॉन। सो मिसेस अहम, हाउ डू यू डू? Your house is just beautiful. Yes. So how do you do? No. भाभी जी, मिस्टर जॉन आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसी हैं? जी, मैं ठीक हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप लोग बातचीत जारी रखिए, हमें रसोड़े में काम है। चाल गोपी वाह। माँ जी, वो गोपी भाभी, बेचारी गोपी भाभी। अब माँ कैसे बताए मेहमानों को कि हमारी गोपी भाभी इलिटरेट है? ओ सॉरी, मैं भूल गई थी कि आपको तो इलिटरेट का भी मतलब नहीं पता होगा, है ना? लो, मैं भी आपको क्या समझाने लगी। आपके पास तो बहुत काम है, आप बहुत व्यस्त रहती हैं। कभी आपके ननद को देखने आए मेहमानों के लिए सड़े फलों की टोकरी सजाने में, कभी कुकर का विस्फोट करके अपनी ही सास को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में, और बेचारे अहम भाई की बार बार
बेइज्जती करने में। भाभी आप अपना काम ऐसे ही करते रहिए, लगी रहो गोपी मोदी, लगी रहो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।